नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे अनलॉक 5 के बारे में। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे कई पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो वहीं कई चीजों में नई पाबंदियां भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि पटना जिले में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दिन आवश्यक सामग्री की भी दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गृह विभाग के निर्देश के आलोक में आदेश जारी किया। इसके साथ ही यह भी कहा कि सभी दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी गई है। ये सभी दुकानें शाम के 7 बजे तक बंद हो जाएंगी। पटना के जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के सहमति लेने के बाद से यह बंद का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन जरूर कराया जाएगा। जिला स्तर पर उड़न दस्ता का भी गठन किया गया है। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने इलाके में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार खुद कई क्षेत्रों में घूमकर कोरोना से बचाव की स्थिति का जायजा लिया था। इसके साथ ही यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक 5 के तहत जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल यानी कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं को 7 तारीख से और 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास को 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया है। इसके बाद से अब बिहार में सभी स्कूलों में छात्रों की किलकारी एक बार फिर से सुनाई देने लगेगी। चूंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ना ही बिहार कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ है, ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जारी किए गए गाइडलाइन के अनुरूप ही स्कूल का संचालन करना होगा। इसके साथ शिक्षा विभाग ने बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए भी SOP जारी किया है। इस SOP के तहत राजधानी के साथ स्कूलों का संचालन करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल और कोचिंग संस्थान में उस संस्थान के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने टीका ले लिया हो, क्योंकि सिर्फ ऐसे लोगों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया हो। बगैर टीका लिए हुए कोई भी शिक्षक या फिर शिक्षकेतर कर्मी स्कूल नहीं आएंगे। इसके साथ ही जिन स्कूलों में ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं उनके 2 पाली में संचालित करने का भी निर्देश जारी किया गया है। हर छात्रों को 1 दिन बीच करके स्कूल कोचिंग जा सकेंगे। जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक संस्थान और स्कूल ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई जारी रहेंगे। विद्यार्थियों को घर से ही पका पकाया खाना लाने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ बच्चे अपना भोजन साझा नहीं करेंगे। स्कूलों के अंदर खाद्य सामग्री बेचने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। स्कूल की कक्षाओं में 2 बच्चों के बीच में 6 फीट की दूरी के साथ साथ किसी भी ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना बिहार में कम भले ही हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आपको यह भी बता दें कि देश के वैज्ञानिक ने 3री लहर की भी आशंका जता रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्कता बरतनी है और बरतनी भी चाहिए। वैज्ञानिकों की तरफ से जारी आशंका में 3री लहर बच्चों को लेकर हो सकती है। ऐसे में हमें बच्चों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें स्कूल भी उन्हें खास ध्यान के साथ ही भेजने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि यह पूरा जो खबर है वो रविवार को यानी कि हर रविवार को जो है पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात की स्थिति होगी, उस दिन जो है एक तरह से हम कह लें कि कई तरह की पाबंदियां जो है लगाई गई है। नॉर्मल तरीके से जो दुकानें खुल रही थी वो इस तरह से नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की पाबंदियां थी, हर रविवार को यह पाबंदियां लागू रहेगी। आपको बता दें कि अनलॉक 5 जो है 25 अगस्त तक के लिए बिहार में प्रभावी रहेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।